आज का इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने वाहन का ऑनलाइन चालान किस प्रकार देखेंगे। जैसे मान लीजिए आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, रास्ते पे है, और गलती से आप जेब्रा क्रॉसिंग के पार खड़े कर दिए अपने गाड़ी को, तो इससे में क्या होता है कि आपका ऑनलाइन चालान कट जाता है और आपको पता भी नहीं रहता है। तो आप खुद से ऑनलाइन अपने मोबाइल से देख सकते हैं कि कहीं आपका गाड़ी का कोई चालान तो नहीं कटा है। अगर कट गया तो उसे ऑनलाइन पेमेंट किस प्रकार करेंगे, मैं आपको दोनों तरीका बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मोबाइल फोन से सर्च कर रहे हैं तो आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ये रहा मेरा क्रोम ब्राउजर, इसे ओपन करना है और ये जो सर्च बार देख रहे हैं यहाँ पे आपको वेबसाइट टाइप करना है। अगर वेबसाइट नहीं पता है तो सिंपली आप ई चालान टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सिंपल सा ई चालान टाइप करते हैं और इसे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए एक वेबसाइट है, झारखंड पुलिस ट्रैफिक चालान। तो ये जो वेबसाइट देख रहे हैं इसी पे क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना। आपके सामने कुछ इस तरह से जो ट्रैफिक चालान का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ट्रैफिक चालान। अब नीचे में देखें क्या क्या फीचर है, यहाँ पे बहुत सारे फीचर है। तो यहाँ पे देखें 6 ऑप्शन है और ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं चौथा नंबर ऑनलाइन पेमेंट सर्विस, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये रहा ऑनलाइन पेमेंट सर्विस, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन होगा। अगर आपके पास पहले से चालान आया हुआ है उसका डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ चालान नंबर पर क्लिक करना है, यहाँ पर चालान नंबर डालना है, ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर डालना है, सर्च पर क्लिक करना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका गाड़ी में कहीं कोई चालान तो नहीं कट गया, इसके लिए व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है, गाड़ी का नंबर यहाँ डालना है, कैप्चा कोड यहाँ डाल के सर्च करना है। तो यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे, अगर आपके गाड़ी में कोई भी चालान नहीं कटा है और जब यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखें रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल इस तरह से आएगा, यानी इसका मतलब है कि आपके गाड़ी में चालान नहीं कटा है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में चालान कटा है और यहाँ पे आप गाड़ी नंबर और कैप्चा कोड डाल के सर्च करते हैं और अगर आपके गाड़ी में चालान कट चुका है तो नीचे यहाँ पे देखेंगे इस तरह से एक यहाँ पे चालान आ जाएगा। यहाँ पे सीरियल नंबर देख सकते हैं एक, यानी एक चालान कटा हुआ है। चालान नंबर यहाँ पे देख सकते हैं और वॉलेशन डेट टाइम, यानी किस दिन आपका और किस समय आपका गाड़ी का चालान कटा है वो यहाँ पे देख सकते हैं। और लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं और पेनाल्टी पर्सन, यानी किसके नाम से गाड़ी है उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपने नहीं भरा है तो स्टेटस में पेंडिंग दिखाएगा और कितना का पेनल्टी है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर पूरा डिटेल से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप पूरा डिटेल से देख सकते हैं। तो चलिए व्यू पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा चालान और यहाँ पे आप पूरा डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं किस चीज़ का मेरा चालान कटा है, कितना रुपये कटा है, यहाँ पे डिटेल के साथ देख सकते हैं। और नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर नीचे देखने को मिलेगा और नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको पूरा डिटेल यहाँ देखने को मिलेगा। अगर इसे प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट निकालने के लिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में इस तरह से आ जाएगा और इसे आप पीडीएफ में सेव कर ले और सेव करने के बाद इसे मेल पे सेंड करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इसे पेमेंट करना है तो यहाँ पे पे का बटन है, पे पे क्लिक करेंगे तो जिस प्रकार आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन पेमेंट या कहीं भी पेमेंट करते हैं सेम उसी तरह पेमेंट करना है। UPI द्वारा पेमेंट कर सकते हैं या फिर कार्ड द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, जैसा भी पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको पेमेंट करके नहीं दिखाऊंगा, पेमेंट करना बहुत